नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज मैं बात करूंगी कि मरते हुए गुलाब के पौधे को कैसे बचाया जाए, क्या कारण है जिससे गुलाब के पौधे मरने लगते हैं और इन्हें कैसे बचाया जा सकता है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुलाब के पौधे के मरने के कई कारण हो सकते हैं। एक कारण फंगस हो सकता है, यानी कि पौधे में अगर फंगस लग जाए तो पौधा मरने लगता है। इसके अलावा पौधे में अगर स्पाइडर माइट्स, एफिड्स जैसे कीड़े लग जाते हैं तो भी पौधा मरने लगता है। इनसे बचने के लिए पौधे में रेगुलर इंटरवल में पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करना चाहिए। इनके अलावा अगर पौधे को गर्मियों में चिलचिलाती धूप में रख दिया जाए तो भी पौधा सूख कर मरने लगता है। इसलिए गर्मियों में खासकर कोशिश करें कि पौधे को दोपहर की 12 से 3 बजे की धूप से बचाने की। पौधे को ऐसी जगह में रखें जहां सुबह की कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप पौधे को मिले। इनके अलावा ओवरवाटरिंग या अंडरवाटरिंग भी एक कारण हो सकता है पौधे के मरने की। इसलिए पानी की मात्रा में नियंत्रण जरूर रखें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर पौधा फंगस की वजह से मर रहा है तो पौधे को कैसे बचाया जाए। पहले पौधे की उन ब्रांचेस को काटना होगा जो सूख चुके हैं या फिर जिनमें डाईबैक की प्रॉब्लम शुरू हुआ है। काटने के लिए जो भी टूल ले उसे सबसे पहले अच्छे से डिसइंफेक्ट कर लें। इसके लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड या फिर डेटॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद गमले में जितने भी खरपतवार हैं, सूखे पत्ते हैं, उन्हें हटा दें। इनके कारण भी पौधे में फंगस लग सकते हैं। और अब मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। मिट्टी की गुड़ाई कर लेने से मिट्टी में एयर सर्कुलेशन बढ़ जाता है और साथ ही गुड़ाई के बाद गमले को अगर यूं ही धूप में 1-2 घंटे के लिए छोड़ दिया जाए तो मिट्टी में जो भी कीड़े मकोड़े लगे होते हैं वे भी मर जाते हैं। और अब कोई भी फंजीसाइड लेनी है, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, मैं यहाँ साफ फंजीसाइड ले रही हूँ। इसे इस तरह से गमले में चारों तरफ मिट्टी के ऊपर छिड़क देना है। इससे मिट्टी में जो भी फंगस वगैरह लगे हुए हैं वे सारे खत्म हो जाएंगे। गुलाब के पौधे को स्वस्थ रखने के लिए महीने में कम से कम एक बार फंजीसाइड का इस्तेमाल ज़रूर करें। और अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा फंजीसाइड लेकर उसका पेस्ट बना ले रही हूँ। इस पेस्ट को पौधे के उन जगहों पर लगा देनी है जहाँ जहाँ जिन ब्रांचेस का प्रूनिंग किया गया है। और अब पौधे को पानी देना है और फिर 3 से 4 दिनों के लिए पौधे को ऐसी जगह रखना है जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो। 3 से 4 दिनों के बाद पौधे को धूप में निकाल देना है। दोस्तों लगभग 10 दिन बीत चुका है और आप देख सकते हैं कि इसमें नई पत्तियां निकलनी शुरू हो गई है और आशा करती हूँ कि इसमें जल्द ही कलियां भी आना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों लगभग 21 दिन बीत चुका है और आप देख सकते हैं कि पौधे में बहुत ही अच्छे से विकास हो रहा है। आपके पौधे को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि समय समय पर पौधे को फर्टिलाइज़र देना, पानी की मात्रा में नियंत्रण रखना, समय समय पर पेस्टिसाइड का छिड़काव करना, महीने में कम से कम एक बार फंजीसाइड डालना। इन सब बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो गुलाब का पौधा हमेशा स्वस्थ रहता है। तो आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।